मामला मथुरा के गोवर्धन दादाखुंड परिक्रमा मार्ग का है। यहां स्नान के दौरान एक युवक की कुसुम सरोवर के गहरे पानी में पैर फिसलने पर डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को गोताखोरों के सहयोग से निकलवा कर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। पुलिस मृतक के शव की शिनाख्त में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालुओं के मुताबिक एक 35 वर्षीय युवक सोमवार को स्नान के लिए कुसुम सरोवर की सीढ़ियों पर से उतर गया। स्नान करने के दौरान उसका पैर गहरे पानी में फिसल गया। गहरे पानी में युवक को डूबता देख लोगों ने शोर मचाया। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। सोंधिया है, कहाँ के रहने वाले हो? पसोली गांव का हूँ। क्या करते हो कुसुम सरोवर पर? फोटोग्राफी करता हूँ। क्या घटना हुई है यहाँ? घटना ये हुई है कि ये कुछ देर पहले यहाँ पे एक पागल टाइप का आदमी आया था और यहाँ नहाने लगा, कपड़े झोला भी था उस पे, कपड़े धोने लगा, कपड़े धोकर और फिर नहाने लगा है ऐसे पानी में तैर रहा है। और हम यहाँ पे फोटोग्राफी का काम करते हैं, इधर उधर घूम रहे थे और डूब गया है थोड़ा गहराई में जाके। और बहुत लोग आए यहाँ बचाने वाले, किसी ने नहीं बचाया। एक आया भाई साहब, उसने निकलवाया यहाँ पे। सूचना पुलिस पहुँच चुकी थी, फोन कर दिया है, हमारे भाई साहब हैं बगल में एक जगह। क्या मौके पर पुलिस पहुँची है? हाँ जी बिल्कुल, बुलाई है, तुरंत आई है, प्रशासन आया है, खूब बढ़िया सुविधा है। और यहाँ पे अब सभी के सहयोग से